जी मेरा नाम इरशाद अहमद है, मैं टूरिज्म कैजुअल लेबर यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जी हमारा जो मेन मसला है, जो हमने ये प्रोटेस्ट दिया है, इसलिए दिया है कि हमें जो वेजेस है 2014 से पेंडिंग है वो रुकी हुई है, और 2021-22 का जो बजट है उसमें हमको पेश अभी इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। इस वजह से हम लोग आज सड़क पर उतर आए हैं। हम आपके माध्यम से अपने टूरिज़्म डिपार्टमेंट को 3 दिन की मोहलत दे रहे हैं कि हमें एक तो हमारी जो रुकी पड़ी जो सैलरी है वो वागुजार की जाए, और हमें जो बजट का है 2021-22 का उसमें शामिल किया जाए। हम 342 एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें 14 एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह मिली जा रही है। ये 14 एम्प्लॉयज़ जो है ये असल रसूख के हैं, इनको तनख्वाह अच्छा से मिल रही है। तो हमने इसी बारे में बहुत सारे जो आला हजरात हैं इनसे इनके बारे में पूछताछ की है, तो वो लोग माकूल जवाब नहीं दे रहे हैं कि इन 14 लोगों को कैसे तनख्वाह मिल रही है। 2014 से हमारी सैलरी रुकी पड़ी है, वो वागुजार की जाए, और जो हमारा जो 2021-22 का बजट है उसमें हमको शामिल किया जाए।